हेलो फ्रेंड, आज हम आपको ब्रोकोली की सब्जी बेसन वाली बना के दिखाएंगे। बहुत ही अलग टेस्ट में, बिल्कुल भुंजिया टाइप से बनेगी। इस बिना पानी के बनेगी ये सब्जी। इतनी टेस्टी बनती है कि आप इसको किसी भी रूप में खा सकते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे, आप देखिएगा। आपका पहले फ्लेवर फिश 24x7 चैनल में स्वागत है। इसी स्वागत के साथ में आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाते हैं। तो चलते हैं किचन में। ये ब्रोकोली है, इसको हम फ्राई सब्जी के रूप में बनाएंगे, जो कि आप कहीं सफर में जा रहे हैं तब भी ले जा सकते हैं। चाहे तो सब्जी के तरीके से खा सकते हैं, चाहे स्नैक्स के टाइप से खा सकते हैं, आपको जैसे अच्छी लगी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही नई तरीके से बनाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ नए टेस्ट में नई चीज खाई है। जबकि हमारी ये सब्जी जो ब्रोकली है, ये हमारी बिल्कुल गोभी की तरीके से होती है, बस थोड़ा सा टेस्ट में अंतर है। और आप इसको जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं, लेकिन जो तरीका हम बताएंगे वो बहुत ही अलग तरीका है। तो बनाते हैं, हम कैसे बनाएंगे। देखिए, पहले तो हमने इसको कट कर लिया है, तो जो बड़ा पीस था उसको हाफ करके इस तरीके से कट किया था, और जो छोटा पीस है उसको हमने ऐसे ही रखा है। जैसे ये पीस बहुत बड़ा मोटा नहीं था, तो इसको हमने ऐसे ही रख लिया है। और इसके नीचे का जो पार्ट होता है, जो डंठल होती है, उसको हमने फ्रेश करके इस तरीके से काट लिया है। इसको भी आपको फेंकने की जरूरत नहीं है, और इसको बस पतला काटेंगे, इतना ध्यान रखेंगे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे आपको दिखाते हैं। उठने वाला ले लिया है, इसमें ही हम कुछ कलियां लहसुन की हैं और थोड़ा सा हरी मिर्च है, इसको कूट लेंगे। और इसको हम बेसन वाले फ्लेवर से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनती है, बिल्कुल भुंजिया जैसी बनेगी। देखिए इस तरीके से। कोई भी हम पैन कढ़ाई ले लेंगे, बस आप लोहे की कढ़ाई नहीं लीजिएगा, आपकी ब्रोकोली का कलर चेंज हो जाएगा। तो आप यही कोशिश कीजिएगा कि कढ़ाई कोई दूसरी ले, लोहे की ना ले। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून तेल डाल देंगे, बहुत तेल नहीं पड़ता है, कम ही तेल में बनकर रेडी हो जाती है। हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, सरसों का तेल। अब इसको अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए। तेल गर्म हो गया है, पहले तो हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम को आप धीमा कर दीजिए। हम हमेशा बताते हैं कि मसाले डालते समय आपको गैस की फ्लेम को धीमा कर देना, जिससे हमारे मसाले सुरक्षित रहे, जले ना। और ये हम जो हमने ये कूटा है लहसुन और मिर्च का पेस्ट, उसको डाल देंगे। बारीक नहीं करना है, गड़गड़ा ही रखना है। आप चाहें तो कट करके भी डाल सकते हैं इसमें। और ये देखिए, हल्का सा इसने कलर चेंज कर दिया है, कुछ ज्यादा नहीं इसको भूनना है। अब हम इसमें ये ब्रोकोली डाल देंगे, तो अच्छे से मिक्स करेंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा कि हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। जब आप देखेंगे तो वही सपोर्ट हमें मिलेगा। और प्लीज कमेंट्स में जरूर बताया कीजिए कि हमारी रेसिपीज आपको कैसी लगती है। अब इसको हम ऐसे ही थोड़ा सा ढक देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे, बस 1 मिनट के लिए ढकना है। अब इसके लिए हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं, जब तक वो रेडी होती है। हम इसमें 2 चम्मच बेसन लेंगे, बेसन आपको ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा ले सकते हैं। कुछ मसाले डालेंगे, ये हमारा कुटा हुआ जीरा, धनिया, सौंफ है, 1 चम्मच डालेंगे। जो मसाले आपको नहीं पसंद है वो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 चम्मच काली मिर्च है, ये सब अपना अलग ही टेस्ट देंगे, बहुत टेस्टी लगते हैं ये मसाले, और डेली जो हम लोग गोभी बनाते हैं उससे बिल्कुल हटके बनेगी। और ये हम 1 चम्मच पिसी खटाई डालेंगे, आमचूर वाला पाउडर जो होता है उसको डालेंगे। थोड़ा सा तीखी मिर्च डालेंगे, क्योंकि उसमें हमने मिर्च डाल रखी है ग्रीन वाली। और थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, और टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल लीजिए अपना। मिक्स कर देंगे ऐसे। बेसन हमने कच्चा ही लिया है, क्योंकि इसको हम आगे कैसे सब्जी के साथ में तैयार करेंगे देखिएगा। और थोड़ा सा अब इसमें हम कलर देने वाली देगी मिर्च का यूज करेंगे, बहुत अच्छा कलर देगी। यदि आपकी ब्रोकली रखी हुई है और लूज हो गई है, तो उसको आपको क्या करना है, कट करके धुल के रख देना है, वो अपने आप ही बहुत अच्छी तरीके से खिल जाएगी और बिल्कुल हरी हो जाएगी। अब इसको हम देखते हैं, ये देखिए, ये अभी और 1-2 मिनट लेगी, तो इसको हम फिर से ढक देंगे।
लेकिन ढकने के साथ में चलाते रहेंगे, नहीं तो कहीं कहीं जल जाएगी। बहुत सॉफ्ट होती है और पकती भी बहुत जल्दी है। इसको हमें ज्यादा नहीं पकाना है, ये थोड़ा सा कुरकुरी जैसी होती है तभी ज्यादा अच्छी लगती है। गला देने से इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो आपको गलाना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि हमें थोड़ा और सॉफ्ट करनी है तो आप 1 पिंच नमक डाल दीजिए इसमें, थोड़ा सा, क्योंकि हमने मसाले में डाला है तो इसमें नहीं डालना है। अगर नमक आप डाल देंगे तो थोड़ा ये पानी रिलीज कर देगी, इसीलिए हमने रोका है। यदि आपकी ब्रोकली ज्यादा सूख चुकी है या जिसमें थोड़ा मॉइस्चर कम है तो आप इसमें हल्का सा नमक डाल के इसको ठीक कर सकते हैं। अब ढक दीजिए इसको फिर से। इसको हम देखते हैं कि 70-80% लगभग कुक हो गई है। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। पहले हम 1 चम्मच इसमें बेसन डालेंगे इस तरीके से और इसको मिक्स कर देंगे। हमको अब इसी के साथ में ये बेसन भूनना है जिससे कि कच्चापन ना लगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और इसमें हल्दी भी यूज करना है, हम हल्दी डालना भूल गए हैं। इसमें हल्दी भी हम मिक्स कर देंगे। कोई वैसी बात नहीं, नहीं पड़ेगा तो कोई बात नहीं कि टेस्ट आपका बिगड़ जाए, ऐसा टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर डाल देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। इसको फिर से थोड़ा सा इसमें डाल करके बेसन को मिक्स करेंगे। सब्जी तो बहुत तरीके से बनती है पर इसका टेस्ट हमें बहुत अच्छा लगता है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में फिर से हम थोड़ा सा बेसन डालेंगे। एक बार में आप बेसन नहीं डालेंगे क्योंकि अगर आप एक बार में डाल देंगे तो ये अच्छे से कोटिंग नहीं हो पाएगी इनमें और फिर टेस्टी नहीं लगेगी, तो आपको फिर से ऐसे डालना। इसीलिए हमने बताया था नमक उसी हिसाब से आप डालिएगा, तो सब्जी जिस हिसाब से हो बस नमक आपको वैसे ही डालना है। अगर आपको लगता है कि आपका बेसन ज्यादा है, आपको कम खाना है, तो आप बचा के रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उतना ही डालिएगा जितना आपको पसंद है। जितना इसमें बेसन रहेगा उतना ही फ्लेवर इसका अच्छा लगेगा। हमने तो 2 चम्मच के हिसाब से बनाया था, सारा बेसन डालेंगे इसमें, लेकिन धीरे धीरे हमने इसीलिए बताया है कि अच्छे से इसमें इसकी कोटिंग हो जाएगी तो टेस्ट बढ़ जाएगा आपकी सब्जी में। अब इसको हम करीब 30 सेकंड के लिए ढकेंगे, फिर इसको चला देंगे। बस अब आपका काम यही है कि इसको खोलना है, चलाना है, देखना है, नहीं तो आपका मसाला नीचे जल जाएगा। अब इसको फिर से देखते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत ड्राई हो रहा है, बेसन छूट रहा है, कभी कभी रखी हुई जब ब्रोकली होती है तो उसमें दिक्कत आ जाती है, तो आप 1 से 2 चम्मच पानी ऐसे आप छिड़क दीजिए इसके ऊपर, बहुत नहीं डालना है। अब आप देख लीजिए इसको ऐसे करके, अब देखिए इसमें सब बेसन लग जाएगा। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप डाल सकते हैं। देखते हैं इसको, अब हमारी सब्जी बनकर लगभग रेडी हो गई है। ये देखिए अच्छे से बन गई है, अब इसमें कोई कसर नहीं रही। आप देख सकते हैं जो बेसन था, केवल 2 चम्मच पानी डालने की वजह से पूरी अच्छे से कोटिंग हो गई है, अच्छे से बेसन लग गया है। कि डंठल मोटी है, ये बैक साइड इसका मोटा है, तो आप इसके ऐसे क्रॉस करके पीसेस पतले कर दीजिए। मतलब आपको अलग नहीं करनी है ब्रोकोली, अलग नहीं करना है, पीस बड़ा ही रखना है, पर उसकी डंठल के आप चीरा लगा दीजिए 4-4 पीस, तो पतला हो जाएगा तो जल्दी पकेगी आपकी। तो अब हम इसको सर्व कर, इसका कलर भी काफी अच्छा आया है। तो ये हमारी ब्रोकोली बन करके रेडी हो गई है और काफी फाइन कलर आया है। जितनी चीजें हमने आपको बताई है उतना आप डाल सकते हैं। जो मसाले नहीं आपको पसंद है वही हटाइएगा, नहीं तो हमने कोई भी मसाले ऐसे नहीं डाले हैं जो आपको पसंद ना आए या उनका फ्लेवर ना अच्छा लगे। बहुत ही कम मसाले, बेसिक मसालों से बनी है, कोई ऐसा मसाला एक्स्ट्रा में नहीं यूज हुआ है। और फिर बेसन वाली सब्जी का टेस्ट हमेशा अलग रहता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये आपको हमारी ब्रोकोली वाली सब्जी बेसन से बनाई हुई कैसी लगी? आपको रेसिपी या हमारी बनाने का तरीका दोनों अच्छे लगे हों तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।